झल्लार थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर गुदगांव की तरफ देर रात 2 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। टवेरा में सवार सभी 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बैतूल की तरफ से जा रही बस और परतवाड़ा की तरफ से मजदूरों को लेकर आ रही टवेरा के बीच सीधी टक्कर हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि टवेरा में सवार सभी लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूत्र बताते हैं कि पुलिस और स्थानीय लोगों ने 11 में से 7 शव तुरंत निकाल लिए थे, बाकी 4 के शवों को टवेरा काट कर निकालना पड़ा है। झल्लार पुलिस ने सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो टवेरा और बस का एक्सीडेंट आज कल रात में हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने मौका मुआयना करा है और देखा है क्या स्थिति है। इसमें 11 लोग कुल टवेरा में जो ट्रेवल कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई है। अभी बीएमओ को और डॉक्टर्स को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल पीएल की कार्रवाई करके और जो मृतक हैं उनको हम लोग उनके जो मूल गाँव हैं वहाँ पर तत्काल पहुँचाएँ। अंत्येष्टि राशि के लिए, अनुग्रह राशि के लिए तत्काल हमने कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है और ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर भी जो मुआवजा राशि मिलती है वो भी परिवार को तत्काल स्वीकृत करने के निर्देश दिए। देर रात को एक खाली बस जो है वो रोड से जा रही थी और तभी कलमता गांव है अमरावती से, वहाँ कुछ मजदूर जो है झल्लार क्षेत्र के मजदूरी के लिए गए हुए थे, जो 20 दिन से गए हुए थे। कल रात में वो तकरीबन 9 बजे वहाँ से निकले हैं और ये एक्सीडेंट हुआ है 2:15 के करीब। और टवेरा गाड़ी जो है ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद से आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई, वो बस में जाके एकदम डैश हो गई गाड़ी। तो इसके कारण जो है टवेरा में 11 लोग थे और उन सभी के साथ हादसा हुआ है और इसमें अब प्रयास यही कर रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना। मैडम, इसमें जो मृतक लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी? अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।